तो दोस्तों अभी चेक कर रहे हैं HRMS में आप लीव कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले जाएंगे HRMS में, आपका लॉगिन आईडी डालिए, लॉगिन आईडी के बाद पासवर्ड, पासवर्ड के बाद आएगा कैप्चा कोड, कैप्चा कोड एंटर कीजिए, उसके बाद आएगा लॉगिन, OTP पे क्लिक कीजिए, OTP आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, या आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आ गया, OTP एंटर कीजिए, उसके बाद करेगा लॉगिन, वेरीफाई OTP। ये आपका HRMS इंटरफेस कुछ इस तरीके से खुलेगा, उसके बाद क्लिक कीजिएगा लेफ्ट टॉप पे जो एरो दिख रहा है, लेफ्ट टॉप एरो पे क्लिक करेंगे आपका खुलेगा लीव मैनेजमेंट पे क्लिक कीजिए, न्यू लीव एप्लीकेशन, न्यू लीव एप्लीकेशन में जाएंगे आपकी डिटेल खुलेगी, किस प्रकार की लीव चाहिए प्लीज़ सिलेक्ट, हम सिलेक्ट कर रहे हैं LAP लीव ऑन एवरेज पे, को सिलेक्ट किया फ्रॉम डेट टू द डेट, ये आपके एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, एक डेट सिलेक्ट की हमने, एक LAP अप्लाई कर रहे हैं 10 तारीख के लिए, स्टार्ट डेट एंड डेट एंटर करेंगे 10/8/7, 10/8/23, 10/8/23, हेडक्वार्टर लिविंग परमिशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से डालिए, रीजन डालिएगा इसमें जो आपका सुटेबल रहेगा, फॉरवर्ड एप्लीकेशन टू, आपके जो भी कंसर्न सुपरवाइजर या SSC हैं उनका या तो HRMS ID या तो नाव एंटर कीजिए, आपको इसमें ऑप्शन में दिखाई देगा, कंसर्न SSC का नाम या सुपरवाइजर का नाम आपने एंटर किया है उनका जो ऑप्शन आपका आएगा उसको सिलेक्ट कीजिएगा, सबमिट एप्लीकेशन, आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है, फॉरवर्डेड टू द कंसर्न अथॉरिटी। अब फिर से हम HRMS के इंटरफेस में जाएंगे और चेक करेंगे लीव मैनेजमेंट में अपना लीव एप्लीकेशन फॉरवर्ड हुआ है या नहीं है। माय लीव एप्लीकेशन में गए, क्लिक किया ऑल लीव्स में, फाइंड को क्लिक किया, देखते हैं हमारा लीव एप्लीकेशन फॉरवर्ड हुआ या नहीं है। ये आपका लीव एप्लीकेशन दिखा रहा है, लीव एप्लीकेशन फॉरवर्डेड टू द आपका कंसर्न SSC, ये हो चुका है। कुछ इस तरीके से आप लीव एप्लीकेशन करते कर सकते हैं। एक छोटी सी प्रस्तुति थी आपको मधुर संघ की तरफ से, धन्यवाद।